हेलो, वेलकम फ्रेंड माय चैनल ज्योति कैड। इस वीडियो में हम टेक्सचर बिल्डर के बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रिंग बना रही थी, तो मैं इसके ऊपर ही यहाँ पे आपको टेक्सचर बिल्डर कैसे यूज होता है पूरा डिटेल में बताऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये रिंग है, मैंने यहाँ पे 1 mm का ऑफसेट यहाँ से लगाया है और 1 mm का ऑफसेट यहाँ से लगाया है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, दोनों कर्वों को मैं सिलेक्ट करूंगी और यहां से मैंने लोफ्ट से सरफेस बना लिया, ठीक है। अभी इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पे किया ऑफसेट सरफेस नीचे की ओर 0.5, एंटर एंटर, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, इसको यहां से बुलियन डिफरेंस करूंगी, पर डिलीट इनपुट में यहाँ पे नो रखूंगी, ठीक है। इसके साथ मैंने यहाँ पे इसको बुलियन डिफरेंस कर दिया, ठीक है। अभी देखो, ये इसको मैंने हाइड किया, ये हमारा कट भी हो गया और ये मेरे यहाँ पे मेरे पास ये एक पीस आ गया, ठीक है। इस पीस के ऊपर हम यहाँ पे टेक्सचर बिल्डर का यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने ये पीस कट कर लिया, तो इस पे हम टेक्सचर बिल्डर का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने सारे कर्व सिलेक्ट करती हूँ और इनको यहाँ पे हाइड कर देती हूँ, ठीक है। अभी देखो, हमारे पास यहाँ पे आर्ट में थर्ड नंबर पे कमांड है टेक्सचर बिल्डर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट करती हूँ, मुझे किस तरह का टेक्सचर चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट किया इमेज, ठीक है। अभी आइटम किसके ऊपर हमने टेक्सचर को यूज करना है, ठीक है, तो मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अभी देखो, ये हमारा यहाँ से लो क्वालिटी में आया है, अगर हमें इसकी क्वालिटी बढ़ानी है तो इसकी क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने इसकी क्वालिटी यहाँ पे मीडियम कर दी, तो देखो ये थोड़ा और अच्छे से आया है। अभी इसकी क्वालिटी मैं यहाँ से हाई कर दूंगी, तो देखो थोड़ा सा ये और अच्छे से आया है, देखो। अभी इसी तरह से यहाँ से इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे है थर्ड, 3 है यहाँ पे, इसको मैंने बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, तो ये यहाँ से कम ज्यादा भी इस तरह से हो जाएंगे। अब इसमें नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास इसी तरह से है ना, इस तरह से लाइन ही नहीं है, तो इसमें कम ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अभी देखो, इनको हम यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको यहाँ तक रोटेट कर दिया, देखो, तो ये हमारा टेक्सचर इस तरह से रोटेट भी हो गया, ठीक है। इस तरह से हम रोटेट भी कर सकते हैं। अभी देखो, ये है हमारे पास ब्लैक हाइट, मतलब जो ब्लैक वाली लाइन है ना, उनकी हाइट हमें कितनी रखनी है। अभी हमारे पास है व्हाइट हाइट, जो व्हाइट लाइन है उनकी हाइट कितनी रखनी है। अभी देखो, हमारी व्हाइट लाइनों की हाइट ऑलरेडी यहाँ पे 0.2 ऊपर है और जो ब्लैक लाइनों की हाइट है वो यहाँ से 0 mm है, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं ब्लैक भी यहाँ पे 0.2 कर दूंगी ना, तो ये पूरा मिक्स हो जाएगा, देखो, तो फर्क ही नहीं रहा ना। तो हाइट यहाँ से हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी वापिस से मैंने 0 की, या वहां पे उसकी मैंने और हाइट कम ज्यादा करनी है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद हमने बस यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ये पीस हमारे पास यहाँ पे मैश में होके आएगा और यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल पीस है ना, वो भी रहेगा, ठीक है। अभी देखो, राइट व्यू में आई, मैंने यहाँ पे ओल्ट प्रेस करके इसको एक यहाँ ले लिया, ठीक है। अभी प्रोस्पेक्टिव व्यू में इसको मैंने डिलीट कर दिया। अभी कुछ दूसरा मैं यहाँ पे आपको यूज करके दिखाती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से पहले तो टेक्सचर सिलेक्ट कर लेते हैं हम अपना। अभी जैसे मैं यहां से, जैसे मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट की, ठीक है, पिक्चर आ गई हमारी। अभी इसको हमने इसमें डाला, ठीक है। अभी देखो, अभी ये हमारा लो क्वालिटी में है, इसको हमने मीडियम किया, तो देखो कुछ इस तरह से आया। अगर इसको हमने यहाँ पे हाई कर दिया, तो देखो ये इस तरह से हमारा टेक्सचर आएगा, ठीक है। अभी इसको राइट क्लिक किया मैंने, सही लग रहा है ये मुझे। अभी इसको मैंने वो वापिस से ओल्ट प्रेस करके एक यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अभी एक और टेक्सचर यूज करके दिखा देती हूँ आपको। अभी वापिस से इमेज सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, जैसे हमारे पास डिजाइन भी दिखा देती हूँ मैं।
जैसे हमारे पास डिजाइन है कुछ इस तरह का, ठीक है। इमेज आ गई, आइटम को इसमें रखा। अभी देखो यहां से ये लो क्वालिटी में, यहां से इसको मैंने मीडियम किया तो देखो ये टेक्सचर दिखाई दे रहा है। जैसे हमारी वो थी, यहां से हम इसके बढ़ा देंगे। यहां से मैंने 3 किया, इसमें बढ़ा के देखूंगी, यहां से भी 3 किया। देखो दिख रहा है आपको इफेक्ट। अभी यहां से मैं इसको हाई पिक करके दिखा देती हूँ। हाई हाई होएगा तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, पर ये मेरे को मीडियम में भी अच्छा लग रहा है इस तरह से, देखो। और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे टेक्सचर बिल्डर का यूज कर सकते हो, देखो।